स्वागत है आपका ग्रेट नेशन न्यूज के खबर तेज में। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 15 कमांडो शहीद, ड्राइवर की भी मौत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें 15 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने C-60 कमांडो की गश्ती टीम को निशाना बनाया। पिछले 2 साल में यह बड़ा नक्सली हमला माना जा रहा है, जबकि पिछले 24 घंटों के अंदर यह दूसरा नक्सली हमला है। हाल के दिनों में इस इलाके में नक्सली गतिविधियां और भी तेज हो गई हैं। मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तेज बहादुर। वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द हो गया है। निर्वाचन अधिकारी ने तेज बहादुर के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया है। अब शालिनी यादव सपा की तरफ से चुनावी मैदान में मोदी को टक्कर देंगी। नामांकन रद्द होने पर तेज बहादुर के वकील ने कहा कोर्ट जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी सीट से उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद तेज बहादुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीएम के ऊपर दबाव बनाकर उनका नामांकन रद्द किया गया। उन्होंने कहा कि हमने साक्ष्य देने के लिए सुबह 11 बजे तक का समय मांगा था। महिलाओं के मंगलसूत्र या चैन झपटने वाले भुगतेंगे 10 साल की जेल। लगातार बढ़ रहे चैन स्नैचिंग के मामलों को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कड़ा कानून लगा दिया है। इसके तहत महिलाओं के गले से चैन खींचने वालों को 5 से 10 साल तक की सजा होगी, साथ ही इन्हें 25,000 का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। अब तक देश में इस तरह के अपराधों में ICP की धारा 379 के तहत कार्रवाई की जाती थी। संदिग्ध आतंकी के पिता बोले अगर बेटा आतंकी है तो उसे जेल में ही मरने दो। केरल के राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। इसकी पहचान रियाज अबू बकर के तौर पर हुई। संदिग्ध आतंकी रियाज के पिता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि अगर उनका बेटा आतंकवादी है तो उसे जेल में ही मरने दो। उन्होंने बताया कि मुझे पता था वो गलत रास्ते पर है। पीयूष गोयल बता रहे थे विकास के काम, तभी अचानक चली गई बिजली। गर्मी का मौसम शुरू होते ही देश के कई हिस्सों में बिजली की किल्लत शुरू हो जाती है। कई बार गर्मियों में होने वाली बिजली की कटौती के शिकार VVIP भी हो जाते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और BJP नेता पीयूष गोयल को भी मंगलवार को एक ऐसी ही अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल जिस समय पीयूष गोयल अपनी सरकार के विकास के कामों को गिना रहे थे तभी प्रेस रूम में पावर सप्लाई बंद हो गई। लगभग 5 मिनट के बाद जनरेटर चलाकर दोबारा से बिजली की सप्लाई बहाल की गई, तब कहीं जाके पीयूष गोयल का इंटरव्यू हो पाया। रेड अलर्ट पर है ओडिशा के ये जिले, भारी बारिश की आशंका। चक्रवात तूफान फानी ने अब भयंकर रूप धारण कर लिया है। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा समुद्री तूफान वर्तमान समय में पुरी से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रशासन ने दावा किया कि वो इस तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं पर लोगों से कहा गया कि बिना जरूरत के घर के बाहर ना निकलें। जापान में 200 साल बाद बदला राजा, नारुहितो ने संभाली राजगद्दी। मंगलवार से जापान में एक नए युग की शुरुआत हुई। यहां पर महाराजा अकिहितो ने अपना पद छोड़ा है। 59 वर्षीय नारुहितो अकिहितो के बेटे हैं और अब जापान में उनका राजकाज चलेगा। जापान के इतिहास में ये 200 वर्षों के बाद पहला मौका था जब किसी राजा ने अपना पद छोड़ा है। 126वें राजा होंगे राजकुमार नारुहितो। नारुहितो मंगलवार से जापान के आधिकारिक सम्राट बन गए। पति ने पबजी गेम खेलने से किया मना, पत्नी ने मांगा तलाक। UAE में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पति की ओर से पबजी गेम खेलने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज महिला ने तलाक की अर्जी लगा दी। पबजी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है जो दुनिया भर के युवाओं और बच्चों का सबसे लोकप्रिय खेल हो चुका है। बताया जा रहा है कि महिला को उसके पति ने गेम खेलने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद महिला ने तलाक की अर्जी डाल दी। खबर तेज में अभी खबर बस इतनी ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ग्रेट नेशन न्यूज़।